पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा सेक्शन का खिलाफ आज नादिन किराम प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई ने तजाज की कॉल दी थी और इस्तकबाल के लिए हमारी बहादुर पंजाब पुलिस इमरान खान के इस्तकबाल के लिए हर बार आती है। पुरानी बात नहीं हो गई तो बहादुर पंजाब पुलिस जो है वो पूरे सामान के साथ बरातियों का जो होता है खुशामद करने के लिए आ गए। एक तरफ आप देख सकते हैं सामने एक प्रिजन वैन खड़ी हुई है। आप कहेंगे जनाब ये तो एक प्रिजन वैन है, अब आइए आपको एक एक करके दिखाते रहते हैं। ये है वाटर बोतल आपके सामने, आते रहिएगा और आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस इस्तकबाल करने आई है और देखते रहिए। हर बार की नहीं कहानी हो गई है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाते रहना चाहिए आप लोगों को क्या हालात है। इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, ठीक हो गया। आपकी मूछें बड़ी प्यारी है, मैंने कहा आपकी मूछें बड़ी प्यारी है। इलाज करना ज्यादा इलेक्शन हुए इसके खिलाफ एहतजाज हुए और फ्लेक्स क्लब में पुरअमन तरीके से वो लोग यहाँ पर आए। लेकिन पुरअमन तो कहना बड़ी दूर की बात है, अगर झंडा भी निकाला जाए तो पंजाब पुलिस सबसे पहले इस्तकबाल के लिए पहुंच जाती है, गिरफ्तार करने लग जाती है, खौफ और हिरास फैलाई जाती है। आवाम इस वक्त जो जलसे का टाइम था, जो एहतजाज का टाइम था, वो 2 बजे का था लेकिन यहाँ पर जो पंजाब पुलिस आ चुकी है वो वक्त से कहीं गुना पहले आ चुकी है। नाज़रीन किराम ड्यूटियां बड़ी सख्त हो गई है पंजाब पुलिस की, आप ही लोगों की वजह से जो पंजाब पुलिस बैठती थी आराम करती थी आज जनाब वो सड़कों पर निकल आई है। ये आपकी ही खुशामद तरीका है जो आप लोगों ने इनको काम करने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर आवाम इस वक्त आना शुरू हो भी गई है, कुछ आ भी रही है लेकिन जो हालात सूरत हाल से मैं आपको वाकिफ कर रहा हूँ वो ये हालात है। नाज़रीन किराम प्रेस क्लब किसी भी चीज के लिए बनाया जाता है कि आवाज बिल्डअप की जाए, कहीं पर जुल्म हो तो बताया जाए कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन अगर जुल्म करने वाले या फिर जहां पर आवाज उठाई जाए उसी को बंद कर दिया जाएगा तो आवाम किसको तकलीफ सुनाएगी, सवाल बनता है। नाज़रीन किराम आपने बात करनी है, अगर पाकिस्तानी आवाम के पास इतना भी राइट नहीं है कि वो अपने लोगों को ये बात बता सकें कि जनाब मेरे साथ ये दुख तकलीफ है ये बात है तो पाकिस्तानी आवाम कहां जाए? या तो डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तानी सारी आवाम को कि ये पाकिस्तानी नवाज शरीफ है या जरदारिस्तान है कि अगर उनकी बैत करोगे तो फिर आएंगे, फिर शायद पाकिस्तानियों के दिलों पे जो उम्मीद है उम्मीद का चिराग है वो बुझ जाए और नाज़रीन किराम वो बार बार आजाद के लिए ना सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।